नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। अमेठी में महिला थाना अध्यक्ष ममता रावत ने अपनी टीम के साथ स्कूली छात्राओं को महिला संबंधी और साइबर अपराध के संबंध में जागरूक किया। वहीं एंटी रोमियो टीम ने भी छात्राओं को थाने पर मौजूद महिला हेल्प डेस्क के बारे में जानकारी दी। अमेठी में थाना गौरीगंज क्षेत्र के पुलिस कार्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार ने व्यापारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान एएसपी ने सभी की शिकायत सुनते हुए कार्रवाई करने की बात कही। रायबरेली में सदर नगर पालिका परिषद सीट के लिए सभी दलों ने अपना अपना नामांकन किया। यहां कई सीटें आरक्षित हो जाने से पुराने उम्मीदवारों का खेल बिगड़ गया है। गोंडा में नगर पंचायत कटरा बाजार से भाजपा की तरफ से अर्जुन प्रसाद तिवारी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के कलेक्ट्रेट परिसर में ईरा श्रीवास्तव ने भाजपा से बगावत कर ली। बताया जा रहा है कि ईरा श्रीवास्तव ने अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराया है। लखीमपुर खीरी के कलेक्ट्रेट में सपा प्रत्याशी रामा मोहन वाजपेयी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए पहुंची। यहां रामा मोहन ने अपना नामांकन कराया। लखीमपुर खीरी के थाना सदर क्षेत्र में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर भ्रमण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं पुलिस को भी सतर्क रहकर ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया। लखीमपुर खीरी में घर घर दस्तक अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत आशा और एएनएम घर घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों से जागरूक करेंगी। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस्लामिया इंटर कॉलेज में धरने पर बैठने की बात कही। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि वो अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या से नाराज हैं। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।